तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक परिवार ने पुलिस पर पीट पीट कर उनके परिजन की हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर अब निष्पक्ष कार्रवाई की बात भी कही है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बहराइच में पुलिस पर सवाल, पीट पीट कर मौत पर बवाल। बहराइच में बीते दिनों पुलिस ने जुए की फड़ पर छापा मारकर वहां से 12 लोगों की गिरफ्तारी की थी, लेकिन बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब हनीफ नाम के एक शख्स की मौत की खबर सामने आई। दरअसल परिवार का आरोप है कि हनीफ उर्फ सोनू को पुलिस ने गिरफ्तारी करने से पहले इतना मारा कि उसे फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया और लखनऊ पहुंचकर सोनू की मौत हो गई। उसको बहुत बुरी मारा था, धोते धोते थे। किसने मारा? पुलिस वालों ने मारा, एसओजी टीम ने मारा। अच्छा, और उसके बाद वो चिल्लाता रहा, पुलिस वाले उसको मारते रहे, बार बार एक मसाले मर जाओगे तब छोड़ेंगे। हम चाहते ये है कि उनको जो जिन्होंने मारा है, क्राइम ब्रांच वाले जिन्होंने एसओजी वाले जो मारे, उनको सजा मिलनी चाहिए। परिजनों ने शव सुपुर्द किए जाने के बाद जमकर हंगामा किया। परिवार वालों की मांग थी कि इस पूरे मामले में जितने भी पुलिस वाले शामिल थे उन पर कार्रवाई की जाए, जिसके बाद ही वे शव का अंतिम संस्कार करेंगे। मौके पर हालात बिगड़ता देख अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा पहुंचे, जिन्होंने परिवार को यह आश्वासन दिया कि वे इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार किया। लेकिन इस पूरे मामले के बाद पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और परिवार शासन प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद इंसाफ का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सेना के दो जवानों का अपहरण हो गया। जी हां, जम्मू कश्मीर में दोनों जवानों का अपहरण किया गया। हालांकि एक जवान की वापसी हो गई, जबकि दूसरा जो जवान लापता है उसको तलाश किया जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह कि सेना के दो जवानों का अपहरण हुआ है जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर, वहीं से इनको अगवा किया गया। दो में से एक जवान की वापसी हो गई है, जबकि दूसरे को तलाशा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। राज्य में बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली। हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी। चुनाव 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम किए। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट। बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर नंबर 2 की पार्टी बनी। हरियाणा में बीजेपी के रिकॉर्ड जीत पर देश भर में जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़े के थाप पर जमकर झूमे। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में जश्न। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में पीएम का जबरदस्त स्वागत। मोदी बोले, जनता ने छप्पर फाड़ वोट दिए। इस जीत की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज का, कांग्रेस पूरी तरह से परजीवी पार्टी। अपने सहयोगियों को भी निगल जाती है कांग्रेस। झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ गई। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी बधाई। बोले, चुनाव में सराहनीय प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम पर बोले पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुए, ये भारत के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए, ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। उधर बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हरियाणा में हमारी जीत ऐतिहासिक, ये फिर साबित हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है। यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। जेपी नड्डा ने जलेबी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। बोले, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे उनको घर बैठा दिया, उन्हें जलेबी खाने को नसीब नहीं। ये जो बोलते थे जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे उनको घर पे बैठा दिया, बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई, ये हमारा वोट शेयर भी बढ़ा। उधर जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव के बाद अमित शाह ने चुनाव आयोग का जताया आभार। कहा, राज्य में मना लोकतंत्र का महापर्व। नड्डा बोले, 370 हटने से रिकॉर्ड मतदान, पहले था आतंक का राज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाड़वा सीट से चुनाव जीते। कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,000 वोटों से हराया। जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने रैली भी निकाली। हरियाणा की गढ़ी सापला सीट पर कांग्रेस का कब्जा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने 71,465 वोटों से सीट पर एक बार फिर जीत हासिल की। हुड्डा को 108,539 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार मंजू हुड्डा को हराया। हरियाणा चुनाव की सबसे चर्चित सीट जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जीता चुनाव। 6,015 वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को बताया अप्रत्याशित। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है, तानाशाही के खिलाफ ये लंबी लड़ाई है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जो रिजल्ट है उससे बीजेपी अचंभित है, तंत्र का क्या रोल है इसकी जांच करेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस जाएगी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये तंत्र की जीत, यही लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी नेता राम माधव, जम्मू की जनता ने पूरे दिल से हमको वोट दिया है। जम्मू के जनता पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़ा है, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मिली जीत के बाद उद्धव ठाकरे का बदला सुर। बोले, महाविकास अघाड़ी में सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी चेहरे का समर्थन करेंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, कांग्रेस का खटाखट मॉडल फेल हो गया, कांग्रेस की नीति के कारण जनता त्रस्त है। कि खर्ची पर्ची से नौकरी मिलेगी, इसी तरह से खटाखट करके टैक्स ही लगेंगे, पैसा तो आएगा नहीं और गारंटियां फेल हो जाएंगी। जनता को एक ही गारंटी पर विश्वास था, मोदी की गारंटी पर। हरियाणा के अंबाला सीट से जीत के बाद बीजेपी विधायक अनिल विज ने किया रोड शो। कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, जब ये हारते हैं तो ईवीएम को दोष देने लगते हैं। हरियाणा में विनेश फोगाट की जीत पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा, कथित पहलवान नायक नहीं खलनायक, विनेश के जाने से कांग्रेस का हुआ सत्यानाश। हरियाणा में हार पर कांग्रेस में दो फाड़। जयराम रमेश बोले, ये लोकतंत्र नहीं तंत्र की जीत, स्थानीय लोगों पर बनाया गया दबाव। शैलजा बोली, पार्टी जिम्मेदार। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल का बयान। बोले, चुनाव में अति आत्मविश्वास ठीक नहीं, हरियाणा के चुनाव से हमें सीख मिली है। कांग्रेस की हार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा वार। कहा,
मोहब्बत की दुकान का शटर बंद राहुल कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती बन गए हैं। ईवीएम को जिम्मेदार ठहराए जाने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, जब भी कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ती है। ईवीएम को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया है, जब उन्होंने तेलंगाना जीता था तो या उनकी जीत थी और जब वो हारे तो ईवीएम दोषी। बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, एक बार फिर लोगों ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया और मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, बोले हरियाणा के लोगों ने वंशवाद और अलगाववाद की राजनीति को नकार दिया, हरियाणा के लिए विकास की राजनीति को एक और मौका दिया गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हरियाणा में कांग्रेस ने पहलवानों, किसानों और जवानों को भी बांटने की कोशिश की लेकिन हरियाणा भाजपा के साथ खड़ा रहा। उधर हरियाणा की जीत पर रिपब्लिक भारत से बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा नई पीढ़ी को मौका देती है इसीलिए हरियाणा में जीते, पहले खट्टर जीते फिर नायब जीते।